हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो गाइड। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बीटीसी का चार्ट, क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव रह सकता है, एंड फंडामेंटल न्यूज है और समथिंग लाइक प्रीटी बैड न्यूज कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक मार्केट क्रैश कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है आपके साथ ऐसे कंटेंट शेयर करता रहूं, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो गाइस, दैट कुड बी द बैड न्यूज, पुटिन कुड अटैक यूक्रेन ऑन फरवरी 16। आज है 14 फरवरी, तो आने वाले दो दिन की बात है। तो गाइस, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, बेटर बी टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। वेट कीजिए 2 से 3 दिन का, किस तरह मार्केट जाने वाली है वी नेवर नो। अगर तो न्यूज़ 100% कंफर्म हो जाती है कि अटैक हो सकता है, तो डेफिनेटली गाइस मार्केट में 70% चांस रहेगा कि मार्केट विल क्रैश टूवर्ड्स $30,000 एज वेल। राइट नाउ बीटीसी का प्राइस चल रहा है, लेट मी शो यू, नियर अबाउट $42,000 के आसपास। सो बी केयरफुल। तो न्यूज़ में जैसे कि हम पिछले काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि रशिया, यूक्रेन और अमेरिका, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ तनाव चलते आ रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइंस होते हैं। लाइक नोटा जो है एक मिलिट्री अलायंस है, इनके आपस में बीच में झगड़े चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो रशिया भी कह रहा है कि वो इन्वेड कर सकता है यूक्रेन पे। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने जो है बॉर्डर्स पे 1 लाख से भी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स के ट्रूप्स जो हैं तैनात कर दिए हैं, मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं, टैंक्स वगैरह तैनात कर रखे हैं। नॉट इवन ऑन द ईस्टर्न साइड बल्कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे भी कर बैठे हैं। ज़्यादातर चांसेस तो यही दिखाई दे रहे हैं कि अटैक पॉसिबिलिटी है। तो गाइस बी केयरफुल। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप पढ़ना चाहो देन दैट कुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर फॉर द अपकमिंग मार्केट एनालिसिस। ओके, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें शेयर की गई है। लाइक ये देखिए, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलेवन सेड अ फुल रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कुड कम बिफोर द एंड ऑफ बीजिंग ओलंपिक्स ऑन फरवरी 20। ये तो ये कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, वो कहते हैं कि रशिया जो है वो हमला कर सकता है और कम्प्लीटली यूक्रेन पे कब्जा कर सकता है 20 फरवरी से पहले पहले। इवन एज द प्रेसिडेंट जो बाइडन टुडे टोल्ड हिज काउंटर पार्ट अबाउट मॉस्को's फोर्सेस पॉसिबली लॉन्चिंग एन इंकर्जन इन 5 डेज। अमेरिकन इन यूक्रेन लीव एज सून एज पॉसिबल। यूक्रेन में कोई भी अगर अमेरिकन है तो उनको एक संदेश दिया गया कि यू गाइज नीड टू बी शुड लीव योर अपनी जमीन जायदाद सब छोड़ के चले जाओ। एंड इवन इन द इवेंट एंड इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours ही सेड फ्रॉम द व्हाइट हाउस पोडियम। तो व्हाइट हाउस में बैठे बैठे बातें चल रही हैं इनकी, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन बट द रिस्क इज नाउ हाई इनफ एंड द थ्रेट इज नाउ इमीडिएट इनफ दैट इज व्हाट प्रीडियन डिमांड। There won't be a US military effort to evacuate US citizen from a Ukraine under siege, surveillance Sullivan asserted. So guys, जैसे कि अफगानिस्तान पे भी तालिबान ने हमला किया था और उसको टोटल कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तानियों को सबको अपना कारोबार, पैसा, जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। गाइज Anything can happen in the world right now. और ये भी काफी बोला चल रहा है मार्केट में कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है बिकॉज रशिया को जो है बहुत जगह से वार्निंग भी आ रही है, तो कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है। लाइक सपोर्ट किसने किया है, चाइना वाले रशिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे कि भाई तू युद्ध कर, बैठे हैं तेरे लिए, तेरे पीछे बैठे हैं युद्ध करने के लिए। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैंने कई सालों पहले किताबों में पढ़ा था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन द स्कूल्स दैट कि रशिया ने इंडिया की भी काफी हेल्प की थी। पॉसिबिलिटी है अगर रशिया अटैक करता है तो इंडिया भी पीछे नहीं रहने वाला उनकी हेल्प करने के लिए, जहां तक मुझे लगता है। वी डोंट नो अबाउट द मोदी, एक्चुअली नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब क्या उनका स्टेटमेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में, लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन द चार्ट ऑफ द बीटीसी। गाइस लुक, मैं साफ शब्दों में आपको बात बताता हूं, एज लॉन्ग एज बीटीसी का प्राइस $9,000 के अबव है ना, मतलब है या फिर उससे ऊपर है, आई एम बुलिश। बिटकॉइन का प्राइस अगर $39,000 के नीचे गया, I am bearish. Market could crash like a hell as well. When पहला support next रहेगा 36,000, then second near about 33,000, then third could be the next near about 29,000 से लेके $30,000 के आसपास support रहने वाला। Guys, मेरी एक छोटी सी request है आपसे, यदि आपने अभी तक entry नहीं ली है market में specially for the short term traders and the mid term traders, guys don't take a wait for couple of days.
वेयर द मार्केट विल गो। ओके, जैसे ही मुझे कोई अच्छी न्यूज मिलती है मार्केट में, डेफिनेटली मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट नीड टू ट्रेड, हैव पेशेंस एंड एंजॉय द लाइफ बाय सीइंग द न्यूज ऑन द टीवी चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड अपना ओपिनियन शेयर कीजिए अपने कमेंट सेक्शन पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।